अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान बशीर। आज जो वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, ये मिनी बिजनेस आइडिया की है, यानी छोटा कारोबार। इस कारोबार को करने के लिए आपको जो किन पैसों की जरूरत पड़ने वाली है वो 15 से 20 हज़ार रुपए हैं। आप 15 से 20 हज़ार रुपए लेकर शेरशाह मार्केट चले जाएं, जो कराची में मौजूद है। वहां जाने के बाद आप एक्सपोर्ट के यूज खिलौने वहां से मिलते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं और कपड़े के भी मिलते हैं। आप वो खिलौने ले आएं, 15 से 20 हज़ार रुपए में बहुत सारे खिलौने आपको मिल जाएंगे। वो खिलौने लाने के बाद आप किसी भी बाजार में, किसी मार्केट में, फुटपाथ पर या किसी शॉप के सामने, या जिस तरह बाजार लगते हैं, इतवार बाजार, पीर बाजार, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, हफ्ता, इस तरह के बाजार में भी स्टॉल लगाया जा सकता है। आप स्टॉल के लिए जगह लें, जगह लेने के बाद आप स्टॉल पर ये खिलौने सजा दें। कुछ ही देर में आपकी सेल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि खिलौने बच्चों की ज़रूरत हैं और बच्चे हर घर में पाए जाते हैं। बच्चों की जिद के सामने बड़े हमेशा हार मान लेते हैं, तो बच्चों की ख्वाहिश के लिए हर शख्स चाहता है कि वो कुछ ना कुछ खिलौने ले जाए। बच्चे भी बाजार से गुजरेंगे तो वो भी आपसे खिलौने ले लेंगे, उनके पेरेंट्स साथ होंगे तो वो भी आपसे खिलौने लेंगे। आप अच्छे साफ सुथरे अंदाज से स्टॉल लगाएं, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका स्टॉल चलने लग जाएगा। मुनासिब रेट रखेंगे तो बहुत जल्द आपका स्टॉल मशहूर भी हो जाएगा और बच्चे आपसे खिलौने खरीदना पसंद करेंगे। किसी भी काम को करने के लिए इरादा और मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी इनकम और थोड़े से पैसों से आने लग जाए, तो इससे अच्छा आइडिया शायद ही कोई हो। आप खिलौने का काम करें और एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ त्यौहार आते हैं, इनमें भी खिलौनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों को खिलौने चाहिए होते हैं। जैसे कि ईद के दौरान बहुत ज़्यादा खिलौनों की मांग बढ़ जाती है, हर बच्चा चाहता है कि वो मुख्तलिफ खिलौने खरीदे। आप पुराने खिलौनों के साथ जब आपका काम चल जाए तो नए खिलौने भी रख सकते हैं, और चाहे तो पुराने खिलौने रखकर अच्छी वैरायटी के खिलौने लाएं और उनसे अपने स्टॉल की शान बढ़ाएं। जब आपका स्टॉल पर अच्छे बेहतरीन किस्म के खिलौने होंगे तो हर शख्स आपसे खिलौने खरीदना पसंद करेगा। रेट मुनासिब रखें, आप देखेंगे कि कुछ ही रोज में आपका स्टॉल बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा और आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। कुछ ही दिनों की मेहनत से आप एक अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। घर में बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ किया जाए, और जॉब से अच्छा है कि अपना बिजनेस किया जाए। अगर आप जॉब नहीं छोड़ना चाहते तो पार्ट टाइम में भी ये काम किया जा सकता है। ये स्टॉल शाम में भी मार्केटों में लगाए जा सकते हैं। सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ से भी एक इनकम आने लग जाएगी और आपकी ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। वीडियो देखते रहें, और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल IBS।